सावन के पहले सोमवार में भगवान शिव के दर्शन हेतु उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रावण मास के तीसरे दिन प्रथम सोमवार को रीवा के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करने वालों की भी कतार रही। साथ ही जिले के विभिन्न शिवालयों में ग्रामीणों ने अपने इष्ट भोलेनाथ के दर्शन किए। वहीं आज से बाबा बैजनाथ के लिए कांवड़ यात्रा का भी दौर तेजी से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का अपना विशेष महत्व है, खास तौर पर सोमवार के दिन का। रीवा के किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में सुबह की आरती के समय से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 7 बजे वह कतार काफ़ी लंबी हो गई। यह क्रम सायंकाल होने वाली आरती तक चला। इसी प्रकार कोठी कंपाउंड के मनकामेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्तों का रेला सा लगा रहा। इन दोनों मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज दिन भर रही। इस दिवस में दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक का अपना अलग महत्व है, लिहाजा इसके लिए भी लोग अपने क्रम आने का इंतजार करते रहे। मंदिरों में महामृत्युंजय मंत्र जाप और ओम नमः शिवाय का कीर्तन मंडली भी सावन सोमवार को आस्थावान बना रही थी। इसके अलावा जिले के देवतालाब शिव मंदिर में और हनुमाना के पास हाटेश्वरनाथ मंदिर में भी ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने प्रिय शिव भोले के दर्शन किए। चारों सोमवार का महत्व रहता है, चारों सोमवार का महत्व है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सोमवार का महत्व है। सावन के दिन में चारों सोमवार का महत्व, सब व्रत करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्रसाद देते हैं। हेतु कायिक वार्षिक मानसिक शारीरिक कष्ट दुख पीड़ा निवारणार्थे श्री महामृत्युंजय देवता रुद्राभिषेक पाठ सांडिल्य गोत्र उत्पन्न राम कृष्ण सर्वाहं तो हम करी।